दिन हो या रात, सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ, तेज रफ्तार में चलती हुई या खास रिपोर्टिंग। एक कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन रात चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से वो कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। कार मैं हूं लालचंद सोनी, आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2023 का बीजेपी पार्टी के लिए सुनहरा अवसर है। यह मौका बहुत ही अच्छा और शानदार देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बता दूं कि आज 5 राज्यों में चुनाव में से 4 का परिणाम आ चुका है, 1 सोमवार को यह परिणाम आना बाकी है। तो 5 राज्यों में चुनाव में से 4 राज्य का देख सकते हैं बीजेपी की सबसे बम्पर जीत 3 राज्यों में देखी जा रही है। यह परिणाम आज सुबह से ही यह चलता रहा और भव्य जीत बीजेपी की 3 राज्यों में देखने को मिली है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यह सिर्फ बीजेपी की ही जय जयकार और पताका लहराता नजर आया। सभी भारी भरपक्ष से खुशी से इजहार कर रहे हैं। भारी खुशी आज बीजेपी और आम जनता कर रही है। सबसे बड़ा हौसला आज जो है छत्तीसगढ़ और जो है राजस्थान का है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 5 सालों से 5 कांग्रेस का राज रहा है और यह बदल कर अब सीधे बीजेपी के खाते में यह हौसला अब जाई हुई और यह जीत का आज परचम लहरा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, जिससे कि पिछली बार भी कांग्रेस की थी, लेकिन बीजेपी की बढ़त जो है इस बार सीट जो है निकली है। तो यह संपूर्ण भारतवर्ष में जीत की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं पर बताते चलूं कि अब 2024 की मार्ग इसी रास्ते से गुजरता हुआ यह खुशी अब देखने को मिल रही है, या उम्मीद है, क्योंकि एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, 3रा राज्य आज जीत हासिल करना यह अपने आप में हौसला ही हौसला अब जाई करता है, खुशी ही खुशी अब जाई करती है। वहीं पर आज जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी पार्टीगण और सभी जनता आज जो है खुशियां बांट रहे हैं, या खुशी आज क्यों ना बांटें, क्योंकि आज सबसे बड़ा खुशी आज देखने को इसलिए मिला है क्योंकि यहां पर उनकी की जयकार लगातार हो रही है, या लगातार आप देख सकते हैं जहाँ पर आज सभी का गण। आज भी देश भर में बीजेपी कार्यालयों में जश्न ही जश्न देखने को मिली है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अनेक कार्यालय और उनके कार्यकर्ताओं ने बम्पर खुशियां मनाते हुए देखा गया। बीजेपी की जीत का मतलब है मोदी जी की काबिलियत, और उनकी हार, उनकी हर एक शब्द बोले गए सभी बहुत बड़ी महत्व दर्शाता है। देश में यदि सभी नेताओं की बात करें तो अधिक किसी न किसी नेताओं का संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संबोधन यदि भाषण देखें तो लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही गौर से उनका भाषण सुनी जाती है, और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में उनकी भाषण और संबोधन बड़े जो है चाव के साथ और बड़े गौर के साथ लोग सुनते हैं। यह जीत और बीजेपी की जीत, मोदी की गारंटी की जीत, इस समय चारों तरफ परचम ही परचम लहरा रहा है। या जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी परचम और खुशी आज इजहार करते हुए चुनाव में रुझान बनी हुई थी, वहीं पर सभी कार्यकर्ता और सभी जो है आम जनता के लोग खुशियां इजहार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सीट
और बीजेपी भारी जीत के साथ हासिल हुआ। वहीं पर राजस्थान में कांग्रेस की सीट में से अब बीजेपी की भारी जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीट में बरकरार रहा है, भारी भरकम के साथ इस बारी अधिक जो है या वोट देखा गया। तेलंगाना में कांग्रेस की भारी जीत हुई है या आज तीन राज्यों में बीजेपी की जीत की खुशियों में जश्न ही जश्न चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं आज सुबह टाइम्स खास रिपोर्टिंग के साथ। आप फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल परिवार जैसा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।